शौचालय देखे हैं? यस सर। कैसा होता है? गड्ढा सा होता है। अच्छा। संगे लेले सर का शौचालय नहाल गेल ले पर्दा पर तो वही सांप काटल के कौची काटल के देखबे न कर ली घास हाल पूरा तीन तुरा तो आहरा पर काटला का एक उम्र ते घर में आ यही समय में सालों हर साल काटा है। बाहर में क्यों गए थे? अब घर में हाई पैर पर खाना है ये नहीं तो कहाँ जबे? क्यों नहीं बनाया शौचालय? अब गरीब आदमी ही का कमाई था तीन 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 चार चार को गेदा गेदी बाल बचा है ऑपरेशन हो ले तो कौची से बनाइए। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नाम और निशान नहीं रहने देंगे। मास्टर ट्रेनर हैं हम लोग, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं, प्रेरित करते हैं। देखिए आदम जमाना से जो बाहर में खुले में शौच करने का जो आदत है, प्रवृत्ति है, एक सरकार के लिए चैलेंजेज है और उसके प्रति हम लोग बताते हैं कि खुले में शौच से कितने तरह का बीमारी महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, मान सम्मान पर जो हानि होता है उसे बाहर में जाते हैं। जैसे कि बाहर में गए वहीं पे छेड़खानी हो गया, बलात्कार हो गया, महिलाओं के साथ आए दिन होता रहता है, मीडिया या पेपर के माध्यम में आए दिन ये न्यूज आता है। हम लोग सबसे पहले उस गांव का एक सर्वे करते हैं कि इस गांव टोला मोहल्ला में कितने लोग हैं, कितने घर हैं, कितने घर में शौचालय है और कितने घर में शौचालय नहीं है। उसके बाद हम लोग उन लोग को प्रेरित करना शुरू करते हैं। प्रेरित करते करते वो लोग को माइंड जो है, दिमाग जो है, लगता है कि नहीं हमें शौचालय बनाना ज़रूरी है। वो लोग शौचालय बनाना शुरू करते हैं। फिर एक बार लास्ट में पुनः सर्वे किया जाता है कि घर घर में शौचालय बन गया, अब लोग बाहर नहीं जाते हैं। जैसे एक बात और होता है कि नहीं कि यहाँ शौचालय भी है तो वो लोग भी बाहर जाते हैं, उन लोग को भी बंद होना चाहिए, तभी ODF घोषित होता है। बाहर में मल यानी गूह और उसका गंध नहीं आना चाहिए, तभी ODF किया जाता है। कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? शौचालय के पास है ऑफिस में। हमार मैंने शौचालय बन गए साल भर बनला होला, सब हमार फार्म फोटो मैंने 10 बार तिरा गए आ सबके नादी में पैसा मिल गया, हमार पैसा मैंने न मिले। एगो दूगो कहबो कैलक कि से 10,000 में 12,000 रहते तो 2,000 देवे पड़ते, ओहो पर हम बाबू का नाथ हो गए कि हाँ छे हम 2,000 दे दें, तब पर भी न हमारा पैसा मिलल है। तीन चार दिन से आवी थी, आवा ही यही जा बाकी लौट के चल जाही, बंद रह है तो कह न कि आते जाते हमारा 14 रुपया रोज मैंने प्रति की 14 रुपया अपना ही मैंने कि अब कनिया पुतो हल तब खेत में जान हल तो दिन उठला सुतर रह हल तो लड़का एगो है हमारे बाबू तो कहल कि मैया अभी दिन दोपहरिया के जा हाँ बहू हाँ वो अभी सब कोई देखते तो बहुत मने अच्छा ना लगते, खराब लगे था। तो बेटा मैंने बनल कब आओ का अभी जो बना लिए हैं जो सुविधा हो रहा है, हाँ। क्या फर्क है दोनों में, क्या लगता है? सुविधा यह है कि अब अपन घर में अपन बैठी थी ना, आराम करी थी ना, यही एगो सुविधा लोग थे बाबू। आ वो बाजी हमारा लगल हल बाबू 14,000 रुपया 14,000 के तो 15,000। जाइ हब जी शौचालय में के दूगो जा हब गाड़ी पर तो दू दिन हम देखली वा कहबो कैली कि बाबू से हमार नाम देख न तू देखतब का कहते कौची नाम है बिंदा, हाँ कहली कि हाँ भाई उड़ते गाड़ी पर भाग जाए कि तो दाछ देखबू देखबू मुखिया जी भी फोन करबू जा। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियाँ स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं MPLAD फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं एक साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए, सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। Thank you.
घर में इस्तेमाल करती हैं शौचालय का आप? यस सर। स्कूल में कर पाती हैं? नहीं, सब गांव का है ना भीरू, तोड़ दिया है। अच्छा, स्कूल वाला टूटा हुआ है? यस सर। कितने दिनों से टूटा हुआ होगा? जब से बने। तो अगर आप लोग लड़की सबको, खास करके जितने भी आप लोगों का सहेली सब है, उन लोगों का अगर शौच लगा कभी स्कूल में, तो लोग क्या करती है या आप लोग क्या करते हैं? सब उधर जाते हैं खेत में। बाहर जाना पड़ता है? यस सर। तो दिक्कत नहीं होता आप लोगों को बाहर जाती हैं तो? दिक्कत होता है। शौचालय के बारे में तो यही बाबू कि अब हमारा भी पैसा रहबे ना करता है, तब बनाबे ना करबे तो निकलबे ना करते, पैसा रहती तो ना बनाबे तो निकलते फोटो या खींचा के, तो पैसा ना रहती तो निकलते कुछ आगे का, तो पैसा रह घरे के लग है। बचत होबे ना करे बेटा, माने औरत के एगो कमीनी से चार चार गो पेट के बचत कौची होते, कुछ ना होते, माने कैसे जिंदगी मजबूरी में कटे थे आउ का। हमरा तो लगे कि पच के असर भर में हम ही गरीबे ही खाली। अच्छा ये बताइए सर कि आप शौचालय नहीं रहने से आपके घर में क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत है बाबू, अभी कौची ऐसा देह जान है तो बेटी के अब लगा है कि कौची करी, कपड़ा खान दे का करी, डर लगा है युग जमाना देख के, बाकी तय मजबूरी में जा है बेचारी होने में। हमारा ये सलम एरिया है और जो भी विकास जरूरत पड़ती है सरकार को, तो सलम में ज़्यादा पड़ता है। वीआईपी एरिया में तो खुद ही लोग लगे रहते हैं, सफाई का और बिजली का, पानी का, नल का, टोटल का सुविधा सफाई का करते हैं, मगर ज़्यादा दिक्कत हम लोगों का सलम का होता है कि सलम ही विकास नहीं हो रहा है। सलम के अंदर में इतना गंदगी फैला हुआ है, इतनी नाली सफाई नहीं है कि अगर थोड़ी सी अगर बारिश बरस जाए तो रोड पर वो नाला का पानी रोड पर जाएंगे और उस रोड का पानी से लांघते हुए हम लोग अपने घर के अंदर जाते हैं। और इसकी तो मैं डेली पेपर भी मैं देख रहा हूँ, टीवी पर भी न्यूज़ सुन रहा हूँ कि सरकार ने कहा कि हर घर घर शौचालय बनेगा, और अभी तक तो हम देखा ही नहीं शौचालय कैसा सरकार बना रहा है। अभी सरकार की योजना आए न आए, मगर एक पुराना 24 सीट का बिंदीश्री पाठक जी का बखत से बना हुआ शौचालय है, जिस पर हम लोग 10 पैसा देकर उसमें सोच में जाते थे। आज उस सोच का कीमत लेने वाले बैठ गया है 4 से 5 रुपए लेता है, और जिस गरीब के पास 2 टाइम जाता है तो किसी को 8 लगता है, किसी को 10 लगता है, और वो सोच करने वाले भी तो जाते हैं मजबूरन उसी के अंदर में, और मलबा बह करके सीधे वो छोटा नाला में जाता है, छोटा नाला से पूरे मकान गरीबों की झुग्गी झोपड़ी के बगल से पास करते हुए बड़े नाला में जाते हैं। अगर उस जिस वक्त वो सोच कर जब नाला खुलता है तो खाना भी खाते रहता है, तो लोग को मतली हो जाता है, खाना बंद कर देते हैं, खड़ा हुआ बना हुआ प्लेट में खाना नहीं खा पाते हैं, इतनी गंदगी से मतलब तबाही हम लोगों को हो चुकी है। आज से 20 साल कबल डायरिया भी होता था, मतलब हर तरह का बीमारी होता था, मगर अब हम लोगों को लगता है कि डायरिया से और कीटाणु से दोस्ती हो चुका है, इसलिए क्या बहुत सोच समझ करके आता है, मगर गंदगी हम लोग को आदत पड़ गया है कि गंदगी सूंघते सूंघते हम लोग को नाक जो है ना बन गया है गंदगी का। अगर अच्छे जगह जाएंगे तो वहाँ का खुशबू अच्छा नहीं लगेगा, और हम लोगों को खुशबू यही लगता है कि हम लोग इस नरक में रहकर नरक का आदत पड़ चुका है, इसलिए ऊपर वाला तो हम लोग पर रहम कर रहे हैं, वो नीचे वाले हम लोग पर रहम नहीं कर रहे हैं। अब रिकाउंडिंग हो जाता है कहानी सरकार तरफ चल जाती तो कहानी मोह ममता मिल लगती तो कहानी मिलियो से कहे काम ना। हम तक कहत बात मोर मान
शौचालय बनवा दी रजौ जाई जब बहरा ता बड़ा डर लागता अप पियन के याद सैया मनवा में आवता लूट ली न कहीं मोरी जातिया फिर पचतै बार जऊ हम तक तनी बात मोरा माने पैखाना बनवा दे रजऊ। Thank you.